वेलकम टू एसके हैंडेड सर। एसके हैंडेड सर पर मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीरीज का नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, जिसमें ये पार्ट नंबर 4 है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम पार्ट नंबर 4 शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर 4 क्या है। पार्ट नंबर 4 सीरीज का है, जिसमें हम लेटर सीरीज पढ़ेंगे, यानी पत्र श्रृंखला। यानी ये एक जैसे पत्रों में एक मतलब एक लाइन में लिखा रहता है, उसी प्रकार इसमें भी रहता है। बस इसमें कुछ टेबल्स मतलब वर्ड रहते हैं, उसके बाद बीच में कुछ वर्ड छोड़ दिए जाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए छोड़ा गया है। ठीक, तो आइए ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सो फ्रेंड, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक स्टूडेंट, तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें एक सीरीज लिख दिया, उसके बाद कुछ वर्ड के बाद कुछ मतलब सिंबल के बाद कुछ ये छोड़ दिया, खाली स्थान छोड़ दिया कुछ वर्ड के बाद। तो आइए हम इसको फिल करके एक सार्थक शब्द बनाते हैं, यानी एक अर्थ वाला शब्द बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं। इसमें दिया है ए, दिया है बी, डबल सी दिया है, डबल सी दिया, उसके बाद दिया है डी दिया है, उसके बाद फिर ए दिया है सी सी, उसके बाद ए बी सी, उसके बाद सी डी ए, यही दिया है। तो आइए इसमें क्या हो सकता है, हम उसी अनुसार फिल करेंगे। जैसे इसमें दिया है पहले ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, यानी सी को डबल कर ट्रिपल कर दिया है और बाकी सब सिंगल कर दिया है। तो इसी प्रकार इसमें देखिए फिर क्या है, ए है, उसके बाद यहाँ क्या रहना चाहिए, बी रहना चाहिए, उसके बाद बी के बाद सी कितनी बार है, 3 बार। तो थ्री बार देखिए बी के बाद आ रहा है 1 2, यानी यहाँ भी रहना चाहिए सी, यानी सी 3 बार अब हो गया ना। उसके बाद क्या, यहाँ पे खाली स्थान है। अब देखिए ए बी सी के बाद कौन सा पहले कौन सा अंक आता है, तो देखिए यहाँ से देख लीजिए ए बी सी, तो इसके पहले डी आता है, तो यहाँ भी डी रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए सी आ गया ना, ए बी सी, अब सी यहाँ भी है और यहाँ पे खाली स्थान है, और जो कि सी साथ में 3 रहते हैं, मतलब 3 बार सी रहते हैं, तो इसलिए यहाँ भी क्या होगा, सी होगा। ठीक स्टूडेंट, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बी सी डी सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एक सीरीज दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में एक सीरीज दिया गया है, जैसे जेड दिया है वाई, डबल एक्स, खाली स्थान डब्लू वी डब्ल्यू जेड एक्स डब्लू वी यू, यही दिया गया है। उसके बाद देखिए अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ से उठा लीजिए, जेड वाई एक्स एक्स डब्लू, और उसके बाद यहाँ पे वी है, उसके बाद यहाँ डब्ल्यू है। ठीक, तो यहाँ पे वैसे ही फील करना है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है बताइए, यहाँ पे देखिए एक्स हो सकता है, क्योंकि एक्स यहाँ से एक सीरीज बना लेता है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे देखिए एक्स कितनी बार हो गया, 3 बार, तो यहाँ से ये सीरीज हो गया। अब देखिए इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, तो अब जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए बताइए, ये U को भी यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया है, तो इसलिए U U U हो जाएगा। उसके बाद Z है, Z के बाद क्या है, Y है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, Y होना चाहिए। उसके बाद क्या है, X दिया है, जो Y के बाद ट्रिपल X, तो यहाँ एक X है, उसके बाद फिर X है, इसके बाद फिर X है। अब देखिए फ्रेंड, एक सार्थक शब्द बन गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, X U Y डबल X, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, N है, डबल O है, P है, Q है, उसके बाद यहाँ खाली स्थान है, उसके बाद R S, उसके बाद फिर खाली स्थान है T U U W X Y, उसके बाद यहाँ बीच बीच में खाली स्थान है, तो यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए कैसे फिल होगा, अब इसमें देखिए क्या किया गया है, N O को डबल कर दिया है, उसके बाद क्या है P है, और P के बाद क्या आया है यहाँ पे Q,
अब यहाँ पे देखिए क्यू को भी यहाँ पे अगर डबल करके लिखेंगे तो हमारे एक सार्थक शब्द बन जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, आर है। आर के बाद यहाँ पे देखिए, मतलब इसमें ये है कि एक अंक पहले लिख दे रहा है, उसके बाद जब दूसरा टेबल अंक कर मतलब टेबल का दूसरा अंक ले रहा है तो उसको डबल कर दे रहा है। तो उसी प्रकार इसमें क्या है, आर है, यस है। तो यस को क्या कर दिया, यहाँ डबल कर दिया। उसके बाद है टी है, ये डबल यू है। उसके बाद यहाँ वी है। उसके बाद फिर डब्लू है, डब्लू को भी यहाँ पे क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक, यानी आंसर क्या हो जाएगा, क्यू क्यू यस वी डब्लू, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए एक सार्थक शब्द बन गया ना, पहले एन है उसके बाद ओ को डबल कर दिया, पी है क्यू को डबल कर दिया, या आर है उसके बाद यस को डबल कर दिया, टी है उसके बाद यू को डबल कर दिया, वी है उसके बाद डब्लू को डबल कर दिया, उसके बाद एक्स वाई, यही है। ठीक, तो आज का देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 था, कितना आसान क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि डबल ए है, बी है और डबल सी है, उसके बाद यहाँ ए है, उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सार्थक सा बन गया, तो इसी इसमें भी फॉलो करना है। तो यानी ये ए का क्या कर दिया, यहाँ पे ए को क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया बताइए, ए को क्या कर दिया, यहाँ डबल कर दिया। ठीक है, तो ए ए बी, उसके बाद बी के बाद सी को ट्रिपल किया है, यानी 3 बार सी, तो 3 बार सी हो गया। उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डी के बाद ए, यहाँ भी ए आना चाहिए क्योंकि ए यहाँ पे डबल है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल। ठीक, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सी ए हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए ए दिया है, उसके बाद बी दिया, उसके बाद डबल सी दिया है, उसके बाद यहाँ खाली स्थान छोड़ा है, उसके बाद फिर डी ई ए बी सी डी, मतलब यहाँ जो खाली स्थान में है हमें एक कॉन्सेप्ट बना के यहाँ पे भरना है। तो देखिए ए डबल ए है, बी है, उसके बाद डबल सी है। ठीक है, डबल सी है, तो उसके बाद यहाँ क्या आना चाहिए, वही हमसे पूछा है। तो यानी ए यहाँ पे है और बी है, उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ डबल सी करके देखते हैं। तो हमारा देखिए उसके बाद क्या है, डी ई है, उसके बाद डबल ए है, तो डबल ए करना है। तो देखिए यहाँ पे डबल ए होगा, ठीक है, डबल ए होगा। ठीक, तो अब देखिए इसको थोड़ा दिमाग से लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ए को बी है, उसके बाद फिर ए बी सी डी ई है, उसके बाद फिर ए लगा दिया है, लिख दिया है। ठीक है, तो यानी ए को सिंगल किया है, तो यहाँ पे किसका डबल किया है, यहाँ देखिए यहाँ पे अगर बी है, ठीक, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, इसको आप लोग फिल करके बताइए बताइए, बहुत लगा लिया आप लोग, अब इसको फिल करिए। तो यहाँ पे देखिए ई है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल ई होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारा एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, ठीक बन रहा है ना। तो अब देखिए आगे आगे क्या है, ए है, उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या है, यहाँ पे बी आ गया, बी के बाद सी है, यानी सी यहाँ डबल है, तो यहाँ क्या कहते हैं, सिंगल होगा तभी आएगा ना, तभी ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ई ए सी हो जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यहाँ पे देखिए खाली स्थान छोड़ा, उसके बाद एक्स डब्लू जेड वाई, यहाँ पे खाली स्थान जेड वाई जेड एक्स वाई, उसके बाद खाली स्थान वाई एक्स जेड एक्स, यहाँ पे खाली स्थान जेड वाई एक्स, यहाँ पे खाली स्थान, उसके बाद एक्स वाई, उसके बाद हम पे ये पूछा है कि इसमें क्या रहेगा, भरना है। ठीक, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए बताइए आप लोग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए इसमें क्या रहना चाहिए, जल्दी करिए। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जेड के बाद वाई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब देखिए जेड के बाद यहाँ क्या आ गया, यक्स आया,
क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि जेड के बाद वाई है ठीक, तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, यही पूछा हमसे ठीक स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए। अब इसी अनुसार अगर लगाएंगे तो यहाँ पे यक्स होना चाहिए ठीक है, यक्स उसके बाद जेड के बाद जेड वाई के बाद क्या होना चाहिए, अब जेड वाई के बाद यहाँ पे क्या है, यक्स है ठीक है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, फिर यक्स होना चाहिए। अब देखिए जेड एक्स वाई, अब वाई के बाद क्या होना चाहिए, यक्स होना चाहिए ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए जेड है, जेड यक्स है, यहाँ देखिए यहाँ पे जेड यक्स वाई, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। उसके बाद क्या है, जेड वाई यक्स है, जेड वाई यक्स, उसके बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे बताइए, जेड वाई यक्स, जेड वाई यक्स देखिए यहाँ से यहाँ फॉलो हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जेड वाई यक्स, उसके बाद क्या आ गया, जेड, तो यहीं पे जेड होना चाहिए, यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा, एक्स 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 वाई जेड, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर हम सेवन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, ए बी है, ए बी है, उसके बाद खाली स्थान है, सी बी है, सी बी ए है, उसके बाद खाली स्थान, बी सी सी खाली स्थान, ए ए बी सी सी बी खाली स्थान, बी सी सी बी ए है, उसके बाद यहाँ पे हमें पूछा है भरना है ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा बताइए जल्दी, आप लोग सॉल्व करिए इसको प्लीज़, इस बार तो सॉल्व करिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने अगर सॉल्व कर लिया होगा तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या, ए को डबल किया है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए सी को डबल, यहाँ भी, यानी यहाँ भी सी को डबल होना चाहिए, ए को डबल, तो यहाँ भी ए को डबल होना चाहिए ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ भी बी को डबल किया, तो यहाँ भी बी को डबल करना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए और सी को यहाँ पे डबल करना है, फिर बी को डबल करना है, देखिए यानी सबके सब ए बी सी दिया है, जिसमें से सभी को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है ठीक। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ए बी सी बी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स ये वाला ये गलत है, क्वेश्चन नंबर नाइन यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए क्या है, पी क्यू आर है ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कामा लगा के पी क्यू आर यस, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे आर है पी क्यू के बाद, क्यू के बाद आर है, देखिए क्यू के बाद आर है, तो यहाँ भी क्या कहते हैं, आर होना चाहिए ठीक। जब आर आ गया तो यानी पी क्यू आर यस हो गया, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू आर है, उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए, पी के बाद क्यू होता है, आर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ भी क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। और इसमें देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है, पी है, पी के बाद क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट सॉल्व हो गया, ये तो इसे गलती से आ गया, इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, यस आर क्यू 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 आ जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ठीक। तो हमारा ये था क्वेश्चन नंबर नाइन, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन। सो स्टूडेंट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर टेन है, क्वेश्चन नंबर टेन में क्या दिया है, यस दिया है और यन यक्स दिया है, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा है, यानी हमसे पूछा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसके बाद फिर यक्स के बाद खाली स्थान, यक्स के बाद खाली स्थान, यक्स खाली स्थान, उसके बाद ये है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आइए फ्रेंड हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यस है, यस के बाद क्या होना चाहिए, अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट कुछ हो रहा है, यानी यन के बाद सॉरी यन के बाद क्या है, यम है, यन के पहले यम है, तो यहाँ भी यन के पहले क्या होना चाहिए, यम होना चाहिए। तो अब देखिए एक कॉन्सेप्ट बन गया ना, उसी प्रकार देखिए यम के पहले क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए, जहाँ देखिए इसके बाद है तो यहाँ भी यस होना चाहिए ठीक। उसके बाद देखिए यक्स के बाद क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए, तो यहाँ भी क्या होगा, यस होगा। उसके बाद देखिए यन यम यन, उसके बाद यन के बाद क्या आना चाहिए, यन के बाद यक्स है, तो यानी यन के बाद यक्स आना चाहिए। उसके बाद क्या है, यस है, यम है, उसके बाद यम के बाद क्या आना चाहिए, यम के बाद यन आना चाहिए, तो यहाँ भी यन है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम एस एस एक्स एन, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, ए है, उसके बाद खाली स्थान है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, एक क्वेश्चन आप, ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए।
ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, यहाँ देखिए खाली स्थान है तो आप लोग देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे उठाएंगे तो यहाँ देखिए यस के बाद आर है और यस के पहले क्या होना चाहिए, तो देखिए यस के पहले आर है। इस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। ठीक, तो आइए हम दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब यहाँ देखिए, अब यस के बाद अगर हम टी रखेंगे तो यहाँ पे यस के बाद हम अगर टी रखेंगे तो टी रख के देखते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले देखिए टी होना चाहिए। अब देखिए टी एस आर यहाँ पे क्या है, यस है आर के बाद, तो यस होना चाहिए। उसके बाद क्या है टी, उसके बाद आर है, आर के बाद क्या होना चाहिए यस, यस होना चाहिए ना, आर के बाद क्या होना चाहिए यस होना चाहिए। ठीक, बट ये कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, यानी एक एक भिन्न कर दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा भिन्न टी हो जाएगा, ठीक है सॉरी टी यस आर यस, उसके बाद यस आर यस के बाद क्या है टी है, तो यहाँ भी टी होना चाहिए। ठीक, तो टी होना चाहिए, उसके बाद क्या है आर है, उसके बाद यस है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए टी होना चाहिए। कैसे, देखिए यहाँ पे है ना टी, ठीक, तो यहाँ भी टी हो गया। अब देखिए यस आर यस टी, उसके बाद टी के बाद क्या आ गया यस आना चाहिए, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा टी एस टी 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 एस, जो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक स्टूडेंट, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए ये दिया गया है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए। अब देखिए कुछ लोगों को ये लिखने में अगर लिखा हुआ तो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बता दे रहा हूँ। यच दिया है खाली स्थान जे यच खाली स्थान आई जे डबल यच आई खाली स्थान यच यच खाली स्थान जे जे और यच है, ठीक है, तो इस खाली स्थान में फिल करिए वीडियो पॉज करके, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखिए हम करते हैं, अब देखिए आई के बाद क्या आ रहा है, यच के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे बताइए, जे के पहले क्या है, यहाँ देखिए जे के पहले आई है, यहाँ भी क्या आना चाहिए आई, उसके बाद यच है, आई जे यच है, उसके बाद यच के बाद यहाँ देखिए जे के बाद क्या है यच है, डबल यच है, ठीक है डबल यच है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए यच होना चाहिए। उसके बाद आई है, आई के बाद क्या है जे है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए जे, उसके बाद डबल यच के बाद क्या आना चाहिए डबल एच के बाद आई, तो यहाँ भी क्या होगा आई, इसलिए हमारा क्या होता है ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आई यच जे आई, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जे के खाली स्थान यम जे यल यम खाली स्थान के यल खाली स्थान, ठीक है, तो इसमें फिल करिए, तो अगर हम फिल करेंगे तो क्या आएगा जे के उसके बाद खाली स्थान पे क्या आना चाहिए के बाद क्या आना चाहिए यल, ठीक है, देखिए के बाद यल है, तो यहाँ भी यल आना चाहिए। मतलब इस कॉन्सेप्ट में देख लेना चाहिए कि कहाँ पे कौन अक्षर है, कौन के अक्षर कौन से पहले है, ठीक, तो इसी अनुसार इसको सॉल्व कर देना चाहिए। अब देखिए यहाँ जे है, जे के बाद क्या है के है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए के होना चाहिए। अब देखिए यम है, यम के बाद क्या है यम के बाद जे है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए जे होना चाहिए, सॉरी ये जे होना चाहिए, ठीक, उसके बाद क्या है के यल, अब यल के बाद क्या है यम है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए यम, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यल के जे यम, जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक स्टूडेंट, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया, अब और जो मतलब और कॉन्सेप्ट अगर होगा तो मैं क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगा, तो अगर उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट आया होगा तो मैं उस कॉन्सेप्ट को उसी क्या कहते हैं उसी क्वेश्चन में समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा इतना ही, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में आता है, चाहे एसएससी का चाहे 10+2 लेवल हुआ चाहे 30+2 यानी 30+2 यानी ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, तो इसी इन सब में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, और बैंक में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, और क्या कहते हैं रेलवे में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है।
तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सीरीज में बेस्ड ऑन रॉन्ग नंबर्स, यानी एक सीरीज दिया रहेगा उसमें कहीं बीच में जैसे यहाँ पे रॉन्ग नंबर दे दिया रहेगा, तो हमें उसको इस सीरीज को सॉल्व करते ही हुए हमें पता करना है कि ये रॉन्ग नंबर यहाँ पे है या सीरीज में यहाँ पे है या सीरीज में यहाँ पे है। तो जो रॉन्ग नंबर होगा वही हमसे क्वेश्चन क्या कहते हैं ऑप्शन करके, जैसे ऑप्शन ए बी सी और डी, इन ये चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें यहाँ पे कुछ अंक लिख देगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ अंक लिख देगा, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद हमसे पूछेगा जो जो रॉन्ग नंबर है वही क्वेश्चन में दे देगा यहाँ पे, उसके बाद हमें सीरीज को सॉल्व करते हुए उस रॉन्ग नंबर को ढूंढना रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट में ऐसे ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करने रहेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड, इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक स्टूडेंट। तो देखिए हमारा स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट दिया रहेगा। तो देखिए कैसा है, अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया, यानी स्क्वायर कर दिया है 2 का, स्क्वायर कर दिया 2 का तो 4 हो गया। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। उसके बाद देखिए यही कॉन्सेप्ट है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 26, नहीं 36, ठीक स्टूडेंट। तो यानी हमें कहाँ गलत कहाँ मिला, 4 के स्क्वायर में, यानी 4 का स्क्वायर रहना चाहिए 16, तो हमारा क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में 17, तो इसलिए हमारा यही गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन करके ए दे देगा, बी सी और डी दे देगा, ठीक है। उसमें देखिए कहीं किसी ऑप्शन में 37, 36, 32, 32 और 25 ऐसे कुछ दे देगा, उसके बाद पूछेगा इनमें से रॉन्ग जो आपने छांटा है क्या इस ऑप्शन में है कि नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसमें देखिए क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी 17 × 2 = 34 होता है, 17 × 3 = 51 होता है, ठीक है, 17 × 4 = 68 होता है, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, यानी 68, यानी 68 होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में 67 दिया है। तो हमारा रॉन्ग क्या हुआ, यही हमारा 67 के जगह पे 68 के जगह पे 67 लिख दिया, यानी यही हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, जो कि हमारा क्या कहते हैं ऑप्शन में दिया रहेगा यही रॉन्ग नंबर, तो हमारा यही रॉन्ग नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक स्टूडेंट। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए ये कर दिया कुछ कॉन्सेप्ट बनाया, तो इसमें भी क्या किया है, 5 × 2 = 10 कर दिया है, 5 × 3 = 15 कर दिया, 5 × 24 = 25, 5 × 31, यानी रॉन्ग नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे 20 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कितना है, 19 है, तो यानी यही हमारा क्या हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया, ठीक है, यही रॉन्ग नंबर हो गया, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही 19, यानी और ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया रहेगा, तो इसमें कहीं लिख दिया 19, 25, 30 और उसके बाद दिया रहेगा 10, उसके बाद यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक स्टूडेंट। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 17 दिया है, यानी क्या किया है, 10 का 17, 17 का 24, यानी 17 काउंट, यानी 7 काउंट किया है इसमें भी, और इसमें भी 7 काउंट करेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा, अब 7 काउंट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 काउंट करेंगे, बताइए 7 काउंट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है, 31 हो जाएगा, तो इसलिए हमारा गलत क्या हो गया, 32 हो गया, 31 होना चाहिए, 32 हो गया, ठीक है। उसके बाद 31 में 7 काउंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 38, उसके बाद 38 में 7 काउंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 38 में 7 काउंट कर देंगे तो 45, तो यानी हमारा रॉन्ग क्या हुआ, यही हमारा 32 क्या कहते हैं, 32 यही हमारा क्या हो जाएगा, 32 आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा रॉन्ग है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, आप लोग देख लीजिए एक बार। इसमें देखिए क्या किया है, प्लस 3 किया है। अब देखिए यहाँ पे प्लस 3 करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए,
19 आना चाहिए, जो कि हमारा कितना आया है 20 आ गया है। ठीक है, 90 आना चाहिए लेकिन 20 आ गया। उसके बाद अगर देखिए 90 में प्लस 30 करें 3 करेंगे तो क्या आना चाहिए 21, जो ये दिया गया है। इसलिए गलत रॉन्ग वर्ड कौन सा है 20, यानी रॉन्ग वर्ड क्या है 20, जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस कॉन्सेप्ट में का पांचवा क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 8957 7 6 9 8 2 1 9 8 4 3 5 9 1 3 6 9 3। तो इसके बाद इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन रॉन्ग होगा। ठीक है, यही पूछा हमसे, तो इसको देखिए आप लोग सॉल्व करिए। सो फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दूसरे कॉन्सेप्ट हो गया, इसलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को यहीं पे छोड़ते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको हम सॉल्व करा देंगे, वो कॉन्सेप्ट अलग है। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को हम लेके आगे चलेंगे। ठीक है, उसी क्वेश्चन मतलब उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, ना कि अदर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बीच में डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि एक सीरीज से मैं चल रहा हूँ, जैसे जिस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन रहेगा हम उसी कॉन्सेप्ट पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा 6 यहाँ पे 6 क्वेश्चन दूसरे कॉन्सेप्ट पे हो गया, इसलिए इसको यहीं छोड़ते हैं, इसको करवाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम यही इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ही देखेंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए रॉन्ग कौन है यही हमें पता करना है। तो आप लोग सॉल्व करिए, देखिए इसमें क्या कहा गया है एक बार देख लीजिए आप लोग। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, तो इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है देखिए क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, 2 से गुणा किया प्लस 1 कर दिया है, तो 5 × 2 = 10, 10 × 1 = 11। अब देखिए इसको भी करिए प्लस 1, 11 × 2 = 22, 1 11 × 2 = 1 23। ठीक है, 23 आ रहा है। अब देखिए इसको करिए तो ये आ जाएगा कितना, 23 × 2 = 46, 23 × 2 क्या होता है प्लस 1 47 हो जाएगा। अब 47 × 2 क्या होता है, 47 × 2 बताइए क्या होता है, 94 होता है। ठीक है, सॉरी 94 होता है प्लस 1 95 हो जाएगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा 95, तो यहाँ पे क्या है 96 है, इसलिए हमारा रॉन्ग क्या हुआ यही 96 ऑप्शन सी में है, जो हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए, ये देखिए 5 का स्क्वायर है, ये है 6 का स्क्वायर, ये किसका है 7 का स्क्वायर, ये किसका है 9 का स्क्वायर, ये किसका है 11 का स्क्वायर, ये किसका है 13 का स्क्वायर, ये 150 का स्क्वायर है। उसके बाद इसमें से रॉन्ग क्या है हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा रॉन्ग हो सकता है, आइए देखिए। तो रॉन्ग यहाँ पे ये लग रहा है क्योंकि ये इवन नंबर है और बकिया सब क्या है ऑड नंबर है। ठीक है, बकिया सब ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। ठीक, तो इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो रॉन्ग है। ठीक, इस सीरीज में नहीं बैठ रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यही 36 क्या हो जाएगा आंसर। अब आइए देखिए हम क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देख लीजिए, यहाँ देखिए, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि ज़्यादा से कम करते जा रहा है तो हम क्या करेंगे इसको पीछे से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पीछे से। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये कम करते जा रहा है तो इसलिए इससे करेंगे तो हमारी आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए इसमें क्या किया है प्लस 6 कर दिया, उसके बाद प्लस 6 × 4 = 10 = 24 यानी 8 प्लस कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया है 10 प्लस कर दिया है, प्लस 10 कर दिया, उसके बाद प्लस 12 कर दिया है। ठीक है, प्लस क्या कर दिया है 12 कर दिया है, तो 46 हो गया। अब फिर क्या कहते हैं प्लस 46 में 14 करेंगे, यानी 46 में कितना प्रेस करेंगे 14 करेंगे, तो क्या आ जाएगा देखिए 6 × 4 = 10, 5 = 1 5 और 1 = 6 यानी 16 आएगा,
सिक्सटीन है, सिक्सटी आएगा तो सिक्सटी के जगह पे क्या है, सिक्सटी टू है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिक्सटी टू इज आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस कॉन्सेप्ट में बस इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहीं कहीं कभी कभी पूछता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे इसमें, मतलब जिसने जिसने टाइप के क्वेश्चन बनते थे, हमने सभी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया होगा तो मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई टाइप छूट गया होगा, तो हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें हम बता देंगे। ठीक स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।